हेलो एंड वेलकम टू मिट मोटर हिंदी। दोस्तों मैं हूं आफ्ताब, और कैसे हैं आप सब? दोस्तों ये है हमारे पास ऑल न्यू बजाज पल्सर 150, जिसका आज मैं कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं। इस बाइक के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, लाइक इसके माइलेज, इंजन स्पेसिफिकेशन, प्राइस और ये कितने कलर में आता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल मिट मोटर हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर ये बाइक आपको लेनी है तो आप श्री मुद्रिका बजाज शोरूम गोपालगंज बिहार में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ये बाइक अवेलेबल है। बात करते हैं अगर इस बाइक के हम फ्रंट से, तो फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड देखने को मिल जाता है, और फ्रंट में आपको बल्ब वाला हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिलता है। एक फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अगर अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ये टूटने वटने के चांस नहीं है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन सिस्टम दिया हुआ है। अगर आप नीचे के साइड में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कार्बन फिनिश में मडगार्ड दिया हुआ है, जिसका जो मटेरियल क्वालिटी है वो बहुत ही सॉफ्ट है। और यहाँ पे आपको कुछ वाइट कलर का एक हल्का सा पट्टी देखने को मिलेगा। बात करें अगर इसके फ्रंट टायर साइज और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो फ्रंट में आपको 1817 का ट्यूबलेस टायर दिया हुआ है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है ABS के साथ में। ये आप ABS का प्लेट देख रहे हैं, ये ABS का सेंसर है। और यहाँ पर आपको 2 पिस्टन कैलिपर वाला डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको साइड रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। और अगर बात करते हैं हम इस बाइक के साइड लुक के बारे में, तो साइड से आप देखेंगे तो ये बाइक साइड से कुछ ऐसे देखने में लगता है। जो इसका कलर है ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये जो कलर है ये मैट में आता है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको टोटल 8 कलर वेरियंट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्यूल टैंक पर पल्सर 3D में लिखा हुआ है, और इस बाइक का जो ये कलर है ये ब्लू कलर है। तो ये तो मुझे पर्टिकुलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहा है। और ये जो कलर है ये मैट में दिया हुआ है। अगर बात की जाए इसके कुछ और स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको इंजन कॉल देखने को मिल जाता है। ग्राफिक्स सेम है, आप देख सकते हैं दोनों का ग्राफिक्स सेम है। इसमें आपको 149.5 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड 2-वाल्व ट्विन स्पार्क BS6 कंप्लाइंट इंजन DTSI इंजन देखने को मिल जाता है, जिसका मैक्सिमम पावर 14 PS का है 8500 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क 13.25 Nm का है 6500 RPM पे। इस बाइक में आपको किक एंड सेल्फ दोनों स्टार्टिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। और इस बाइक में आपको डबल हॉर्न दिया हुआ है, आपको अलग से हॉर्न नहीं लगवाना पड़ेगा। और अगर बात की जाए अगर रियर साइड में, तो रियर में आपको 190/17 का ट्यूबलेस टायर दिया हुआ है, और रियर साइड में हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर दिया हुआ है नाइट्रो ऑक्सीजन के साथ। और रियर साइड में अगर हम बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक दिया हुआ है रियर लिफ्ट प्रोटेक्टर के साथ में। रियर साइड में यहाँ पे आप देखेंगे तो 150 का स्टिकरिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेहतरीन ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है ये वाइट कलर में। बात करें अगर रियर प्रोफाइल के बारे में, तो रियर में आपको LED टेल लाइट देखने को मिलता है, और ये रियर प्रोटेक्टर है। यहाँ पर आपको बल्ब वाला टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है हैलोजन, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। और ये यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की लाइटिंग आएगी। साइड से इसका व्यू देख लीजिए, देखने में कुछ ऐसा लगता है। यहाँ पे आपको 150 का बैजिंग देखने को मिलेगा। बात की जाए अगर इसके गियर बॉक्स के बारे में, तो इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स वेट मल्टीप्लेट क्लच के साथ दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर का सेंसर दिया हुआ है, जो कि आपको मीटर कंसोल में शो करेगा अगर आपका स्टैंड डाउन रहेगा तो। इसके लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे देखने में लगता है। यहाँ पे भी आपको पल्सर का 3D लोगो देखने को मिलेगा, और ये इंजन काउल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको साइड प्रोटेक्टर देखने को मिलेगा। बात की जाए अगर इसके सीट की और हैंडल बार मीटर कंसोल के बारे में, तो सीट इसका बहुत ही चौड़ा दिया हुआ है, बहुत ही शार्प सीट है, जिसका चौड़ाई लंबाई सब ठीक ठाक है। मटेरियल जो है सीट का वो सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। और ये फ्यूल टैंक प्रोटेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में ये लो बीम हाई बीम का स्विच है, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच है, यहाँ पर पासिंग का स्विच है, ये इंजन किल स्विच है, और ये सेल्फ का स्विच दिया हुआ है। मीटर कंसोल में यहाँ पर आपको टेकोमीटर शो करेगा, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, सर्विस रिमाइंडर, क्लॉक और फ्यूल गेज जैसे इन्फॉर्मेशन शो करेगा। बात की जाए अगर इस बाइक के माइलेज के बारे में, तो इसमें आपको 50 KMPL से अबव माइलेज क्लेम किया जाएगा। ये आपके राइडिंग एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप अपनी बाइक को
किस तरह से राइड करते हैं। और फाइनली बात कीजिए अगर इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में, तो इस बाइक का जो प्राइस है वो 1,07,000 है एक्स शोरूम। और ये वीडियो मैं अभी गोपालगंज बिहार में शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस बाइक का प्राइस 1,26,000 है। तो ये जो प्राइस है ऑन रोड, ये अलग अलग सिटी में थोड़ा सा वेरी कर सकता है, हर सिटी का अलग अलग RTO और इंश्योरेंस चार्ज होता है। तो ये रहा इस बाइक के बारे में कंप्लीट वीडियो, उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए और सुरक्षित रहिए।